बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंस्टीट्यूट चैंपियन के अंदर। तो आज BA फर्स्ट ईयर को जो सेमेस्टर का एग्जाम है, फर्स्ट सेमेस्टर का विद्यार्थी हो या फिर नॉन कॉलेज का विद्यार्थी हो, तो को जो फिजिक्स को पहलो पेपर हो है मैकेनिक्स एंड द ओसिलेशन, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मैं थारे सामने लेके आया हूँ। शुरू करा अपना वीडियो, लेकिन इससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो ना जरूर लाइक कर लीजिए। तो चलो शुरू करा। पहले क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि रेखीय गति और ऊर्जा के संरक्षण का नियम गैलीलियो परिवर्तन के तहत अपरिवर्तित रहता है। तो जो रेखीय ऊर्जा है, रेखीय गति है और ऊर्जा के संरक्षण का नियम पर गैलीलियो जो परिवर्तन के तहत अपरिवर्तित रहे, यह चीज़ बतानी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, संदर्भ में एक घूर्णन फ्रेम में द्रव्यमान m एक गतिशील कण पर कार्य करने वाला कोलेसिस बल के लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त करें। तो यह चीज़ बतानी है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुके हैं। यूनिट वाइज लेके आए हूँ मैं थारे, और जो अब की बार कोर्स चेंज होगा आधार पर ही लेके आए क्वेश्चन भी। ठीक है, एक अंदर दो नंबर क्वेश्चन देख लियो। यूनिट फर्स्ट में गुरुत्वाकर्षण संपर्क के प्रभाव में एक कण की गति पर चर्चा कीजिए और कक्षाओं का समीकरण प्राप्त कीजिए। तो गुरुत्वाकर्षण संपर्क के प्रभाव में जो कण की गति है पर चर्चा करनी है था। ठीक है, अब बात करें यूनिट नंबर दो के, अंतर गुणांक क्या है, इन आंतरिक गुणांकों के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करें। तो अंतर गुणांक की है और आंतरिक गुणांकों के लिए अभिव्यक्ति थाने प्राप्त करनी है। एक उपयुक्त उदाहरण के साथ एक तैराकी की पूर्ववर्ती गति की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो उदाहरण के साथ आने को बतानी है कि जो तैराक है उसकी पूर्ववर्ती गति की अवधारणा की पर व्याख्या करनी है था। ठीक है, निरंतर संचलन क्षेत्र में एक कण की प्रक्रियाशील गति का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ा बी नंबर क्वेश्चन की तरफ, केंद्र के लंबवत से गुजरने वाले अपने स्वयं के अक्ष के बारे में एक डिस्क के कण की अभिव्यक्ति का वर्णन कीजिए। यो कण है क्षण कोणी, कण की अभिव्यक्ति करनी है था। यो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख जाइए। यूनिट थर्ड को क्वेश्चन है, एक सरल हार्मोनिक दोलन क्या है, कम अवमंदित सरल हार्मोनिक गति दोलन के विस्थापन का व्यंजक प्राप्त करें। बी नंबर क्वेश्चन है, अवमंदित हार्मोनिक गति दोलन की कुल ऊर्जा औसत गति शक्ति अपव्यय और गुणवत्ता कारक को निर्धारित कीजिए। ठीक है, यूनिट थर्ड में जो और कौन सा दो नंबर क्वेश्चन में, परमाणु की एक छोटे दोलक के लिए एक संभावित कण की गति हमेशा सरल हार्मोनिक दोलक होती है। तो यह चीज़ थाने टिप्पणी करनी है, चीज़ पर व्याख्या करनी है क्यों है भाई। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन, वास्तविकरण से आपका क्या अभिप्राय है, समय प्रमाण में अवमंदित दोलक के लिए गुणवत्ता कारक पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, सी नंबर क्वेश्चन है, सरल हार्मोनिक दोलक के बारे में बताइए। तो सरल हार्मोनिक दोलक है ऊपर थान की करनी है, टिप्पणी करनी है। अब बात करा चार नंबर क्वेश्चन की तरफ, संचालित हार्मोनिक दोलक का एक विभेदक समीकरण लिखिए, इसे हल कर चालक बल की आवर्ती पर संचालित दोलक का आयाम की निर्भरता पर चर्चा करिए। तो ये पता चर्चा करनी है। यूनिट नंबर चार को दूसरा क्वेश्चन है, LCR सर्किट में विद्युत अनुनाद पर चर्चा कीजिए, इस सर्किट के लिए अधिकतम धारा और गुणवत्ता कारक की स्थिति का अनुमान लगाइए। ठीक है, दो नंबर क्वेश्चन है, एक प्रेरकत्व कुंडली जिसमें प्रेरकत्व और रजिस्टर R से जुड़ा हुआ है, कैपेसिटेंस S के कंडेंसनर के समांतर LCR सर्किट पर चर्चा कीजिए। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन है, दिखाइए कि विस्थापन के अनुनाद चरण में ड्राइविंग बल से पाई बटा टू पीछे है, जहां वेग ड्राइविंग बल के साथ चरण में है। तो यह सब महत्वपूर्ण प्रश्न ही हनत है, देख जाइयो। धन्यवाद, और चैनल ने जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।